chemistry lectures, so stay connected with me. आज मैं डिस्कस करूंगी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये क्या होते हैं. इनको जानने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि एटम्स कहाँ से आए, कैसे ये मतलब स्टार्ट हुआ. ठीक है, तो पहले सबसे पहले जॉन डाल्टन आए थे, उन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज करी थी 1808 में. उन्होंने इस थ्योरी में बताया कि मेटल्स आर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. उन्होंने ये बताया और उन्होंने काफ़ी कंक्लूजन्स दिए. उन्होंने इजीली एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मॉस्टर कॉम्पोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी. ठीक है, पर कुछ चीज़ें हैं जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे वाई टू एटम कम्बाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड बहुत सारी चीज़ें. ये थी हिस्ट्री, जॉन डाल्टन ने क्या बताया, क्या उन्होंने प्रपोज किया. उसके बाद डिस्कवरी हुई सब एटॉमिक पार्टिकल्स की. सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते क्या हैं ये देखते हैं. सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं. एटम जो एटम है वो फर्दर तीन पार्टिकल्स में डिवाइड हुआ. ठीक है, पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1897 में जीजे थॉम्सन ने करी. प्रोटॉन की डिस्कवरी 1919 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने करी. एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने करी 1932 में. इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं. इन पे कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस नहीं होते हैं. अब इसको याद करने के सिंपल सी ट्रिक है. बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया. सिंपल सी मैं ट्रिक बताती हूँ. सिंपल सी ट्रिक ये है, ईट पर नाच. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और ये टी मतलब थॉम्सन, ठीक है, पी मतलब प्रोटॉन, आर मतलब रदरफोर्ड, एन मतलब न्यूट्रॉन और सी मीन्स चैडविक. ये सिंपल सी ट्रिक है, अगर ये आप याद रखेंगे तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी इन तीनों साइंटिस्ट के बारे में याद रखने का. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. बाय बाय.